वेलकम क्लास 9। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में बात करेंगे एवेपोरेशन पे, वाष्पीकरण पे। तो क्लास 9 की बात हम लोग करने जा रहे हैं आज, साइंस चैप्टर 1। इसमें हम लोग को पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोगों को पढ़ना है एवेपोरेशन टॉपिक। इससे पहले हम लोग कंडेंसेशन बात कर चुके थे और वाष्पन पे भी बात हो गया था, और हम लोग पढ़े थे कि वाष्पन दो प्रकार का होता है। तो वाष्पन में हम लोगों ने देखा था कि वाष्पन या वेपराइजेशन दो प्रकार का था, एवेपोरेशन एंड बॉयलिंग। हमने बात की थी कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, जबकि बॉयलिंग हमेशा लिक्विड के बॉयलिंग पॉइंट पे होता है, द्रव के क्वथनांक पे होता है। एवेपोरेशन में वेपर का निर्माण होता है, जबकि बॉयलिंग में गैस फेज का निर्माण होता है। तो एवेपोरेशन की बात करें तो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर। Evaporation is the process of formation of vapor from a liquid at any temperature. ये process किसी भी तापमान पर होगा। So evaporation produces कूलिंग इफेक्ट, दूसरा पॉइंट है। यानी जहाँ एवेपोरेशन होगा वहाँ आसपास ठंडा, यानी कि कुछ न कुछ वहाँ पे ठंडा हो रहा होगा। एवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ सराउंडिंग। सो आसपास की चीज़ें ठंडी होगी जहाँ एवेपोरेशन होगा। जैसे अगर पेड़ के पत्तियों से वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो आसपास की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। या घड़े के सतह से जो पानी इवेपोरेट होता है तो घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। या फिर कूलर क्या करता है, कूलर में एवेपोरेशन होता है तो उसके मैट से पार करने वाली हवा ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें फैक्टर्स का, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो फैक्टर्स एवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला फैक्टर आपको हो जाएगा टेम्परेचर। सिंपली याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आरईओ का मतलब है रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। क्या है इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन घट जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के बाद तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विथ एयर का सकता है। एयर के कॉन्टैक्ट में जो सरफेस एरिया, मान लीजिए सरफेस एरिया एयर के कॉन्टैक्ट में द्रव का एस है, तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड को हम अगर वी कहें, वी से हम लोग स्पीड को लिखते हैं, वी अगर बढ़ेगा, वी विंड स्पीड है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। इन चारों फैक्टर के बारे में हम लोग डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। मान लिया जाए कि ये वाटर बॉडी है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये जो वाटर है इसके ऊपर एयर कांटेक्ट में है, ऊपर में एयर है और नीचे वाटर है, एक लिक्विड है वाटर। नाउ ये जो सतह है इस सतह पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर भी हैं। वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली सरफेस मॉलिक्यूल्स की। तो जनरली जब टेम्परेचर बढ़ेगा, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेज, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो नो डाउट वाटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। एयर के भी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, मैटर है तो मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, वाटर का भी बढ़ेगा। लाइकवाइज सरफेस के मॉलिक्यूल का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिस प्रकार वाटर के अन्य मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, सरफेस का भी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके मूव करने की, यानी कि ज़्यादा तेजी से गति करेगा, तो एयर इसको क्या करेगा, मूव करके लेकर चला जाएगा। तो अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो ज़्यादा मात्रा में सरफेस मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा तेजी से सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गति करके हवा में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब गति करके हवा मिक्स करेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, तो रेट ऑफ वेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। तो बात यही लिखनी है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंक्रीजेस। सो दीज मॉलिक्यूल्स diffuse rapidly into the air in contact, काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ज़्यादा तेजी से जो हवा इसके संपर्क में है उसमें डिफ्यूज कर जाएंगे, फॉर्मिंग वेपर। सो हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हाई हुआ बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ देयर डिफ्यूजन, देयर मतलब सरफेस मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ देयर डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो क्या होगा, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, वाटर का जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये सब, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरफेस मॉलिक्यूल्स एयर के कॉन्टैक्ट में है, जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इनकी डिफ्यूजन यानी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो डिफ्यूज तेजी से कर लेंगे। सो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रैपिडली इनटू द एयर, और जब मॉलिक्यूल्स एयर में डिफ्यूज कर देंगे जो कि कॉन्टैक्ट में है, एयर जो कॉन्टैक्ट में है उसके उसमें डिफ्यूज कर देगा तेजी से, और डिफ्यूज करेगा तो वेपर बन जाएगा। एंड सो द रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, विल बी सो हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो सिंपली टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल का बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल का बढ़ा तो उनका डिफ्यूजन तेज हो जाएगा, और डिफ्यूजन तेज होगा तो वेपर फॉर्मेशन तेज हो जाएगा, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन हो जाएगा तेज। तो यही है पहला फैक्टर टेम्परेचर। आइए हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। इससे पहले हमने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहा जाता है। तो यहाँ पर अब देखना है आर्द्रता का मतलब क्या है। तो ह्यूमिडिटी रेफर्स टू व्हाट, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा। तो अगर पहले से एयर में वाटर वेपर है, एयर में वाटर वेपर की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही हवा में ज्यादा है तो ऐसे हवा को हम वेट एयर कहते हैं, भीगी हुई हवा। और जो खुद भीगा हुआ वो पानी ऑब्जर्व कैसे कर सकता है। सो वाटर को एब्जॉर्ब करने यानी लिक्विड को एब्जॉर्ब एयर कब करेगा, जब इस प्रकार इस लिक्विड की एयर में कमी हो। जैसे जैसे इसमें मात्रा बढ़ते जाएगा लिक्विड का, वैसे वैसे इसको खींचने की टेंडेंसी कमते जाएगी, एयर नहीं खींच पाएगा। सो एयर सैचुरेटेड हो जाते हो के करीब हो तो कम एवेपोरेशन होगा, और एयर अगर ड्राई हो, वाटर वेपर की मात्रा कम हो, तो उस दिन क्या होगा, एवेपोरेशन तेज हो जाएगा। तो सिंपली याद रखना है विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इन एयर विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एयर बिकम मोर एंड मोर सैचुरेटेड। एयर बिकम वेट, ठीक है, एंड नियरली सैचुरेटेड, भीगी हो जाएगी और लगभग सैचुरेटेड हो जाएगा। सच एयर विल हैव लेस टेंडेंसी, बहुत कम इसमें प्रवृत्ति होती है किस चीज का, टू एब्जॉर्ब मोर लिक्विड। सो लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, इसलिए एवेपोरेशन का स्पीड कम जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो एयर का वेटनेस ऑफ एयर बढ़ेगा। सो नियरनेस टू सैचुरेशन ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, एयर का सैचुरेशन की ओर नज़दीकी बढ़ जाएगा।
यानी एयर ज़्यादा सैचुरेट होने लगेगा, और जब सैचुरेट हो जाएगा तो टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब लिक्विड, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब लिक्विड क्या होगा, घट जाएगा। सो रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो डिक्रीज। तो इस तरह से हमने बात की दूसरे फैक्टर का। दूसरा फैक्टर जो है आर्द्रता है। अगर एयर में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ेगी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर भीग गई, वेट हो गई, जो भीगी हवा है, वेट हवा एयर है, उसमें टेंडेंसी कम होती है वाटर वेपर को खींचने की। तो इस तरीके से क्या होगा, वाटर वेपर कम तेजी से ऊपर जाएगा, एयर में मिक्स होगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो एवेपोरेशन भी कम होगा। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। ये अगर वाटर बॉडी है तो ये जो सरफेस है पूरा का पूरा, ये जो वाटर का फ्री सरफेस है जो कि कॉन्टैक्ट में एयर है, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, सरफेस एरिया, सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, ये वाला है। नो डाउट ये ऐसे भी होगा। ये एरिया सरफेस के एयर के कॉन्टैक्ट में। तो अगर ये सतह जो एरिया जो है कॉन्टैक्ट एरिया अगर बड़ा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के कॉन्टैक्ट में, और अगर कॉन्टैक्ट एरिया छोटा होगा तो वाटर के कम मॉलिक्यूल्स एयर के कॉन्टैक्ट में होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस एरिया बड़ा होगा, अगर सतह बड़ा होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो सतह में होंगे वो हवा के संपर्क में होंगे, और अगर सरफेस छोटा होगा तो इसमें मॉलिक्यूल भी छोटे होंगे वाटर के, तो कम मॉलिक्यूल एयर के कॉन्टैक्ट में होंगे। अगर ज्यादा एयर, ज्यादा मॉलिक्यूल हवा के संपर्क में है तो ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ वेपर बनेगा, लेकिन अगर कम मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में है तो कम मॉलिक्यूल ही वेपर में बदलेगा। इस तरीके से अगर ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ बनेगा तो एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है, दो तीन पॉइंट लिख लेना है। पहला बात, हायर द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कर दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, हायर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, हायर विल बी, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी converted into vapor at a time. This increases the rate of evaporation. सिंपल सा लॉजिक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे इन कॉन्टैक्ट वो बढ़ जाएंगे,
तो वेपर फॉर्मेशन क्विक हो जाएगा, वेपर फॉर्मेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर की हम लोग अब बात कर लेते हैं। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। तो हम जानते हैं कि एवेपोरेशन के कारण वाटर या लिक्विड का वेपर इसके सतह के ऊपर बनता है, लेकिन अगर विंड स्पीड तेज हो तो ऊपर जो वेपर बनेगा वो दूर चला जाएगा और फ्रेश एयर ऊपर आ जाएगा तो फिर एवेपोरेशन होगा। तो इस तरीके से एवेपोरेशन को एनहांस करेगा विंड स्पीड। अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो ज़्यादा तेजी से होगा। कभी कभी क्या है, एयर के मॉलिक्यूल में स्पीड होता है तो स्पीड होने का क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को सतह वाला उसको नॉकआउट करके अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से विंड स्पीड बढ़ने से भी एवेपोरेशन बढ़ेगा। तो हायर द विंड स्पीड मोर क्विकली द लिक्विड वेपर फॉर्म्ड एट द सरफेस विल मूव अवे एंड फ्रेश एयर ऑक्यूपाई द स्पेस। सो वेपर फॉर्मेशन विल एनहांस, बढ़ जाएगा। मोर ओवर इसके ऊपर और भी क्या होगा, हायर एयर स्पीड नॉक आउट लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट सरफेस। सो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस। देखिए, तो अगर विंड स्पीड हाई होगा, हाई स्पीड अगर है, हाई विंड स्पीड, तो पहला काम करेगा कि यहां जो वेपर है इस वेपर को वाले एयर को क्या करेगा, मूव अवे। मूव कर जाएगा एंड फ्रेश एयर इन कर रहा है, फ्रेश एयर इन कर रहा है और वेपर वाला एयर बाहर चला जा रहा, तो क्या होगा, बार बार होते जाएगा। इसके अलावा हायर स्पीड से अगर टकराएगा एयर तो मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा, नॉकआउट करके ले जाएगा। एयर नॉकआउट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देना, पहला ये हाई स्पीड होने के कारण क्या होगा, जो पहले से वेपर बना है वो दूर चला जाएगा तो फ्रेश एयर आएगा तो फिर वेपर बनेगा। और दूसरा चीज, अगर स्पीड विंड में स्पीड हाई है तो सतह से टकरा करके अपने साथ कुछ मॉलिक्यूल को ऑटोमेटिकली लेकर चला जाएगा। तो इन दो कारणों से क्या होगा, एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये चार फैक्टर थे जो एवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।